Now, next question, question number 155. Which of the following is present between the adjacent bones of vertebral column? So, beta is a direct question and the answer is cartilage. ठीक है? Now, next question, question number 156. So, beta statement. टू स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो पहले स्टेटमेंट में वो पूछ रहे हैं हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज. हम क्या पढ़ते हैं इसमें कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के में वो अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करने लगते हैं. यही होता है ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. एंड द स्टेटमेंट टू सेज रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक दी सेल्फ सेल्स. तो बेटा वो बोल रहे हैं कि सेल्फ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और वो सेल्फ सेल्स को अटैक करते हैं. बट स्टेटमेंट कह रहा है डज नॉट अटैक. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be first. So it says statement one is correct. It is defining the point of autoimmune disorder and but statement second is incorrect. So वो करते हैं attack. Next, direct question. At which stage of life the oogenesis process is initiated? So beta, females are already born with the primary oocytes. So the right answer for that will be embryonic developmental stage. Next. Now, question number 158. Select the incorrect statement with reference to mitosis. So, beta, pehla unhone option diya hai. It condenses, chromosomes condenses at telophase. The statement is correct. The option is correct. Splitting of centromere. Beta, anaphase ke time pe hi centromere split hote hain. All the chromosomes lie at equator at metaphase. ये metaphase इसीलिए जाना जाता है क्योंकि सारे chromosomes equatorial plate में align करते हैं. Last statement, the spindle fibers attach to centromere of chromosome. तो बेटा हम क्या पढ़ते हैं? There's a chromosome and whatever spindle fibers are there, they attach to this structure which is known as kinetochore. और ये होता है सेंट्रोमियर. तो किसको अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स? काइनेटोकोर को. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4. नेक्स्ट. नाउ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन 159. इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू. बेटा जो बायोडायवर्सिटी, जो ऑर्गेनिज्म जहां है वहीं रखकर उनको कंजर्व करना है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड स्पीशीज? नो. Extinct species, this one not go with the point of definition, does not go. Protect and conserve the whole ecosystem, the point is right. So the right option will be third. Now, next question, question number 160. Which of the following functions is not performed by secretions from salivary glands? तो बेटा म्यूसिन रिलीज किया जाता है जो लुब्रिकेट करता है बकल या ओरल कैविटी को. नेक्स्ट ऑप्शन टू, डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड. वो पॉलीसेक्राइड स्टार्च को कन्वर्ट करता है डाइसेक्राइड माल्टोज में, माल्टोज का डाइजेशन नहीं करता. थर्ड, कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन. सलाइवा कंसिस्ट ऑफ लाइसोजाइम एंड दैट इज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट. डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. सो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द सिक्रीशंस ऑफ सलाइवा. तो बेटा सलाइवा सिर्फ डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड नहीं करता. नेक्स्ट. Now, next question, question number 161. Beta, assertion reason ka question hai. Wo pooch rahe hai, assertion mein, osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture. So, pehla jo unhone statement, assertion hume diya hai, that is correct. Yehi hum padhte hai regarding your
ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन क्या है. नेक्स्ट कॉमन कॉज क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस का. सो इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. बेटा इंक्रीज नहीं होता, देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. सो द राइट आंसर फॉर दिस अजर्शन रीजन विल बी, अजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स और नॉट करेक्ट. नेक्स्ट ना क्वेश्चन नंबर 62, टू स्टेटमेंट क्वेश्चन. सो स्टेटमेंट वन बोल रहा है द कोएगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स. सो बेटा इट इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ थ्रोम्बिन्स. द कोएगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ फिब्रिन्स. हम पढ़ते हैं मेश वर्क लाइक नेटवर्क दैट इज फिब्रिन्स. स्टेटमेंट टू, ये लाइन सबको रटी हुई रहती है जब हम ब्लड पढ़ते हैं. स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज और एरेथ्रोसाइट्स. सो द राइट आंसर फॉर 162 विल बी द स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट. क्यों बेटा, थ्रोम्बिन्स नहीं फिब्रिन्स आना चाहता है स्टेटमेंट में. सो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. सो आंसर इज सेकेंड. ना क्वेश्चन नंबर 163 अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. तो वो कह रहा है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज. बेटा हम पढ़ते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट वी कैन से सेल अमंग ऑल प्रोकैरियोट्स. सो माइकोप्लाज्मा के लिए सेप्टिकम पता ही होगा आप सबको. एंड स्टेटमेंट टू है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल. बेटा उनमें सेल वॉल होती ही नहीं है. सो इट्स आंसर विल बी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. सो द राइट आंसर इज फर्स्ट.